हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल पीक स्टडी में स्वागत करता हूं। आप तक मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम अंकुर गहलावत है। आज का जो हमारा सेशन होगा फ्रेंड्स, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर हम मुख्यतः तीन चीज़ों पर बड़े जोर ध्यान से देंगे। एक तो हेडक्वार्टर्स आपके, एक ऑर्गेनाइजेशंस के हेड कौन है आपके, भले ही वो प्रेसिडेंट हो या चेयरपर्सन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, ये हम सब समझेंगे। और लास्ट इसमें हम नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। ये कुछ स्लाइड्स हैं फ्रेंड्स, मैंने इनको चार स्लाइड्स में डिवाइड किया है। ये मुख्यतः आपको एक दिन में एक ही स्लाइड अगर आप याद करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ज्यादा लाभदायक होगा। आप इसको याद भी रख पाएंगे एक लंबे अरसे तक और आप बड़े ही आसानी से एग्जाम में इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ये ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मेंबरशिप है। मैं चाहता हूं कि आप इनको इसी ऑर्डर में याद रखें जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें अमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है फ्रेंड्स, और इसका जो हेड है वो क्यूमी नायडू है। इससे पहले, अगर मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, पहले सलील शेट्टी जी होते थे आपके, वो इंडियन आपके डिप्लोमेट में थे। अगर इसकी कंट्रीज की बात करूं तो फ्रेंड 150 कंट्रीज के अंदर इनकी मेंबरशिप है। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेंबरशिप आपको सबकी याद नहीं करनी है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं जिसकी आपको बताऊं तो उसका आपको ध्यान रखना है और वो एटलीस्ट आपको याद रहनी चाहिए। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं, मेंबरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर सभी के आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपके एग्जाम में। आपको दो या तीन क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल सकते हैं, जो आजकल एग्जामिनर्स का ट्रेंड बना हुआ है फ्रेंड। अगर अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसको एडीबी भी बोल देते हैं। और हाँ फ्रेंड, एक चीज और, आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन और इनका कंप्लीट नाम, ये दोनों ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एडीबी का ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है। तो आपको, आप अगर आप जानते नहीं होंगे कि एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो आप उस चीज का आंसर करने के लिए नहीं दे पाएंगे उसका आंसर, आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फ्रेंड। तो आपको दोनों ही चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये फिलीपींस के अंदर है, और इसके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टेक हाइको नकाओ। अब देखो, मैंने इसको याद कैसे रखा था फ्रेंड, जब मैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता था। ये एशियन डेवलपमेंट है फ्रेंड, अब देखिए डेवलपमेंट हो रही है एशियन, तो अब आप देखिए डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे या हाइक चाहिए होगी, हाइक, समझ रहे मेरा बात, हाइक का मतलब होता है कि पैसों में चढ़ाओ, तो टेक हाइको। अब आप इसको बस ऐसे याद रख सकते हैं, टेक मतलब लेना और हाइक मतलब HIKO है ये, आप इसको HIKE अगर याद रखेंगे, स्पेलिंग HIKO ही है, लेकिन आपको बस मार्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको बस ऐसे याद रखिए, टेक हाइक। अच्छा, किसके थ्रू? एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, तो आप इसको आसानी से लगा पाएंगे फ्रेंड, ठीक है। इसकी मेंबरशिप कंट्रीज की बात करें तो 67 है। अगर हम नेक्स्ट पे बढ़े, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें एडीबी और AIIB में, तो इसको को मैंने एक साथ रखा है जिससे आपको आसानी से याद रह सके, और मैं इनको आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप में पेपर में गलत करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे आपके फ्रेंड, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप AIIB आ रहा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर देखिए आप, बीजिंग में II है, चाइना में SII है, ठीक है। आपने देखा कि III दोनों के अंदर आ रहा है हेडक्वार्टर में। और अगर इसके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिन लिक्विन, तो आप याद रख सकते हैं AIIB में II है और इसका जो हेडक्वार्टर उसमें भी II है इनफैक्ट, और जो आपका हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे जिन लिंकिन है, तो इसके अंदर, इनके नाम के अंदर भी II है, आप इसको अब आसानी से लगा सकते हैं। मैं कहता हूं आप पूरा नाम याद मत रखिए, बस एक चीज ये याद रखिए कि हाँ आपको इसको लिंक कैसे करना है। और जो मेरी वीडियोज है फ्रेंड, मैं उसका मेन कंसेप्ट, जो उसका मेन मोटो है वो यही है, मेन पर्पज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लिंकिंग के ऊपर थोड़ा वर्क करिए फ्रेंड। आजकल सिलेबस आप जानते हैं कितना वास्ट है, सारी चीजों को मेमोराइज करना, याद रख पाना बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन हाँ आप इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि ये स्कोरिंग होते हैं, आपको स्कोर करने में हेल्प करते हैं एग्जाम के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो हमने मेंशन है इसमें थर्ड, जो हमारा फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन है
FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड, मैंने बताया फूड एंड एग्रीकल्चर, जहां पर भी फूड से रिलेटेड अगर कुछ भी बात होती है तो आप आंख बंद करके सीधा रोम पे आपको टिक कर देना, अगर ऑप्शन में दिखता है आपको सीधा रोम। ठीक है फ्रेंड, जितनी भी फूड से रिलेटेड जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब रोम के अंदर सेटअप है बेसिकली। ठीक है, आप आगे देखेंगे भी। इसकी अगर बात करें तो जो इनके हेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो जोस ग्रेजिनो द सिल्वा। अब देखिए फ्रेंड, आपने देखा ग्रेज, GRAZI, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैंने उसको ऐसे याद रखा था कि ग्रेजिंग करते हैं ना हम, जैसे जो गेहूं वगैरह होता है तो उसको आप ग्रेजिंग करते हैं, ऐसे घास को तो आप कहते हैं ग्रेजिंग कर दिया आपने, घास को काट दिया। ठीक है, तो कटाई से जो वर्ड मतलब आता है आपका बेसिकली वो है इसमें, जो रूट वर्ड मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप इसको पकड़ के लगाइए। तो फूड का अगर हमने देखा, फूड एंड एग्रीकल्चर तो मतलब ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो अच्छा ओके, हमने ऑप्शन में देखा कि जोस ग्रेजिनो द सिल्वा, 194 मेंबरशिप है इसकी जो कंट्रीज है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले की तरफ अगर हम आते हैं तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड ये वियना के अंदर है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया सबके याद होने चाहिए, और जो इनका हेड है वो युकिया अमानो। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा, युकिया अमानो, और जो इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं वो 170 है। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड, तो देखिए ये तीनों मैंने एक साथ रखा है, ICJ, ICC और ICC। अब ICC में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा वाला पूछा गया है, तो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ICC दे दिया जाए, जस्ट बिकॉज एग्जामिनर भी जानता है कि हाँ ICC स्टैंड फॉर अनदर ऑब्जर्वेशन, वो दूसरी ऑब्जर्वेशन के लिए भी एब्रीवेशन के लिए स्टैंड करता है, तो वहां पे आपको क्लियरली मेंशन होगा। अब देखिए एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि कोर्ट क्रिमिनल या जस्टिस की बात होगी तो वो द हेग नीदरलैंड्स के अंदर होगा, इस चीज को तो आप बिल्कुल रट लीजिए। जस्टिस की अगर बात होगी या क्रिमिनल कोर्ट की बात होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, तो ये सारे नीदरलैंड हेग के अंदर ही है। ठीक है, इनका जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो है वो रोनी इब्राहिम है। अब देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस लेना है आपको, इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस चाहिए, तो वहां पे जो आपका जज होगा वो रोने नहीं देगा, दैट मीन्स रोनी। अब आप समझ रहे हैं, जस्टिस चाहिए ना तो रो मत, जस्टिस चाहिए रो मत, रोनी इब्राहिम आपको जस्टिस दिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए सिंपल ट्रिक है, याद करने में कोई मुसीबत नहीं है। अगर आप इसको आखिरी में देखेंगे स्लाइड के एंड तक, तो आपको इनमें से जैसे ये आपके सामने जो है 8 अगर ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको दिख रही है तो आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 आपको ऑलरेडी याद हो चुकी होंगी, इंक्लूडिंग देयर हेडक्वार्टर्स। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट की तरफ। इसके 15 मेंबर्स हैं। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो जज होता है उनका टाइम पीरियड कितना होता है, सर्विंग टाइम पीरियड। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ऑप्शन में आपको मिलेगा 5, 6, 9, 10, इसका हमेशा ध्यान रखना 9 ईयर्स होता है, 9 साल। ठीक है, इसको गलत नहीं करना, ये डायरेक्टली बहुत फेमस क्वेश्चन है ये जो पूछा जाता है। ठीक है, ICJ का जो जज होता है आपका उनका टाइम पीरियड 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ICC इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, और इसके अंदर देखिए दोनों चीजें याद रखनी हमारे लिए जरूरी है, CEO और चेयरपर्सन दोनों। जो चेयरपर्सन है वो शशांक मनोहर है, ज्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, चेयरपर्सन पूछ लिया जाता है, लेकिन CEO को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, डेव रिचर्डसन इनके CEO है ICC के। ठीक है, 105 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमने पढ़ लिया, द हेग के अंदर होगा, क्रिमिनल क्राइम की बात होती है। ठीक है, और जो इनके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है चिले एबियो ओसुजी। ठीक है, अगर देखिए आप चिल्ला के, जैसे ICC आ रहा है आपका क्रिमिनल कोर्ट है, तो क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर चिल्ला के वो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो इससे आप याद रख सकते हैं चिल्ला के मतलब चिले, CHILE, चिले, किसमें, क्रिमिनल कोर्ट में। अगर मेंबर्स की बात करें तो 123 है फ्रेंड्स इसके। ठीक है, 123। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको फ्रेंड फिर से बोलना चाहूंगा कि आप एक दिन में एक स्लाइड को याद करिए, जिससे आपको बेस्ट मतलब एक आउटपुट मिले, आपको याद भी रहे और आप उस चीज को कंज्यूम कर पाए, आप पचा पाए उस चीज को। आप पढ़ लेंगे सारी की सारी लेकिन आपको याद नहीं रहेगा फ्रेंड, तो देखिए वो इतना वैल्यूएबल, इतना फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के साथ अगर आपको जानकारी और मेरी ट्रिक्स अगर हेल्प कर रही है फ्रेंड, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें 7 रखी है फ्रेंड मैंने, ठीक है, पहले वाली स्लाइड में 8 थी, इसमें 7 है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। अब देखिए लेबर करना है, लेबर होता है मेहनत मजदूरी, तो ये कौन करेगा, कोई गाय करेगा ना, कोई बंदा, समझ रहे हैं मेरी बात, कोई GUY, कोई गर्ल तो नहीं करेगी, कोई लड़का करेगा। तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, तो व्हाट्सअप गायज हम यूज करते हैं इस तरीके से, तो गाय राइडर। तो आपको राइडर याद रखना नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको बस अपना एक लिंकिंग सेट करनी है कि हाँ मैं कैसे लिंक करूंगा चीजों को अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है तो, ठीक है फ्रेंड। इसके आपको मेंबर्स याद होने चाहिए, नो डाउट, 187 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, अब देखिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा फ्रेंड, आप एक काम करिए, जैसे स्लाइड्स आपको मैं आगे दिखाऊंगा तो लंदन में आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी मिलेगा, तो बेस्ट ये है फ्रेंड। मैं भी इकट्ठा करके आपको यहाँ पे डेटा दे सकता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर अपने हाथ से खुद लिखेंगे तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी, आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। आप देखिए कि लंदन में कितनी चीजों का हेडक्वार्टर, आपने देखा लंदन में, ओके ठीक है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, अब नेस्टी इंटरनेशनल उसका भी वहीं पे था, तो हमें कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात कर दूं तो उसका भी लंदन में ही है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि लंदन यूके हमने देखा और हमने उसी समय अपने पास 3 अपने एरो बनाए या उसी के नीचे मेंशन किया, IMO का वही है, कॉमनवेल्थ गेम्स का भी वही है। इसी तरीके से आप अगर ट्रिक बनाएंगे फ्रेंड तो आप कभी भूलेंगे नहीं उस चीज को, ठीक है। अब देखिए मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें है किटेक लिम और इसकी जो मेंबर्स हैं वो 174 हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, IMF, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपका वाशिंगटन DC US के अंदर ही है, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो इसका हेड है IMF का वो क्रिस्टीन लगाड़े है। मेंबरशिप इनकी मेंबर कंट्रीज 189 है, ये आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल बहुत ध्यान से याद रखना है आपको। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अब देखिए आप जानते हैं ओलंपिक मतलब खेल, अब इनके आप अगर हेड की बात करें, देखिए हेड जो है ऑर्गेनाइजेशन के थॉमस बक, तो अब आप इसको बक को बच्चे से याद रखिए, ठीक है, बच्चे, अब बच्चे ही खेलते हैं ओलंपिक्स के अंदर तो आपको याद रहेगा, अच्छा ओलंपिक्स कमेटी का। अब देखिए फ्रेंड आपकी लर्निंग के ऊपर आप कितना लर्न कर सकते हैं चीजों से, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अब ये कमेटी वर्ड आप देख रहे हैं तो कमेटी में आप जानते हैं फ्रेंड इंग्लिश का जो आपका एग्जाम्स होते हैं, जो SSC या जो आपके जिसमें इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है तो उसमें स्पेलिंग एरर आते हैं, तो उसमें ये कमेटी का मोस्ट फेमस है जिसके अंदर पूछा जाता है, और उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे COMITEE, तो इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड सब कुछ डबल आता है, MMTEE। ये एक ट्रिक होती है फ्रेंड देखो याद रखने की, कि आप इस चीज से यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम GS पढ़ रहे हैं तो सिर्फ GS का याद रखें, हम अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं साइड बाय साइड। और अभी मैंने जो आपको बताया है कमेटी का, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ आपके पेपर में अगर कभी कमेटी की जो स्पेलिंग आती है तो आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है अपने व्यूअर्स से। चलिए नेक्स्ट इसके हेडक्वार्टर की बात करें अगर IOC की, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमने याद कर ही लिया। 105 एक्टिव मेंबर्स हैं फ्रेंड और 32 ऑनरेरी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो हेडक्वार्टर और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाटो की अगर बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए फ्रेंड नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जाना है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अब आप इसका ऑर्गेनाइजेशन का हेड देखिए, स्टोर्ट पीच, आप पीच को अभी थोड़ी देर साइड में रखिए, लेकिन आप स्टोर्ट देखिए, आप इसको स्टार्ट START, यू को आप छोड़ दीजिए, लेकिन START अगर आप देखिए, अगर आप जंबलिंग कर सकते हैं तो आप बड़ी इजिली इन चीजों को लगा देंगे वहां पे। नॉर्थ की तरफ जाना है आपको और स्टार्ट करना है, दैट मीन्स आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके मेंबरशिप कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 29 हमें याद रखना होगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। OECD, नेक्स्ट की अगर हम बात करें OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो फ्रेंड इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, और जो इसकी हेड है वो है जोस एंजल गुरिया, ठीक है, और इनके जो मेंबरशिप है वो 36 है। अब देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो ये होते हैं, ये हमारे जो प्राइस होते हैं, जो इकोनॉमिक जो कंट्रीज होती है उनको हेल्प करती है ये, ठीक है। तो अब देखिए हेल्प करती है मतलब अब एंजल आ रहा है इनके नाम पे, तो इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है और कॉरपोरेट कर रही है तो कोई एंजल ही होगी, समझ रहे हैं आप बात को, याद करने का एक तरीका होता है, आप इसको अगर इस तरीके से याद करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है, इसमें फ्रेंड इकोनॉमिक लगाना भूल गया हूं मैं शायद, माफ कीजिएगा,
लेकिन इसमें इकोनॉमिक भी आएगा, OPEC. ओके, आप इस चीज को मेंशन कर लीजिए, अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें इकोनॉमिक वर्ड प्लीज यूज कीजिएगा. ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो इसके लिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में, और इसके जो आपके हेड है वो मोहम्मद बारकिंडो. अब देखिए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आप जानते हैं जैसे डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, तो इसकी टाइप होते हैं, मतलब काइंड ऑफ पेट्रोल्स, मतलब ये पेट्रोल के काइंड नहीं है, बट एक याद करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए पेट्रोल अगर आपने वर्ड देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो आप देखेंगे कि यार डीजल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, CNG भी आती है, ठीक है, तो आपने देखा बारकिंडो, तो काइंड मतलब अलग अलग तरीके, तो ऑप्शन में देखा आपने, सीधा टिक लगाएंगे, आपके दो नंबर वहीं सटीक है सर, ठीक है. इसके मेंबर्स की बात करें तो 14 मेंबर है. इसी तरीके से हमने दो स्लाइड्स अपनी कवर अप कर लिए फ्रेंड, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें फ्रेंड मैंने आपके वही साथ रखे हैं, ठीक है, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड. देखिए मैंने इनको बाद में इसलिए रखा है, जैसे सार्क हो गया आपका या यूनिसेफ, यूनेस्को, क्योंकि ये जनरली पता होता है सबको. जो मैं प्रैक्टिस कराना चाहता था, जो आपका याद करने का एक्टिव जो एक मोड होता है वो स्टार्टिंग के 10 मिनट में ज्यादा अच्छा होता फ्रेंड, इसलिए मैंने उनको थोड़ा ज्यादा फोकस पे रखा और इनको थोड़ा सा मैंने बैकवर्ड पोजिशन पे, थर्ड स्लाइड पे पोजिशन दिया है, ठीक है. सार्क की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है. अमजद हुसैन बी सियाल, ये आपके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए ये बताइए, अमजद हुसैन बी सियाल ये कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है, और इस कंट्री से आई थिंक 2 या 3 पर्सनैलिटी है जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे किसी के हेड है, ठीक है फ्रेंड, तो आप याद रखिएगा इस चीज का और इसको कमेंट में बताइए. और मैं इतना फ्रेंड हिंट दे देता हूँ आपको, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से ही है, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है उनमें से ही किसी एक कंट्री से इनकी नेशनैलिटी है, ठीक है. मेंबरशिप की अगर बात करें तो 8 मेंबर्स हैं, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सार्क की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम पता होने जरूरी है, लेकिन स्लाइड में फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, आप इस चीज को देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. मैं फिर बोल रहा हूँ, जो सार्क कंट्रीज के अंदर आपकी कंट्रीज आती है उनके नाम जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है. चलिए फीफा की अगर हम बात करें तो ज्यूरिख में इसका वो है हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, और इसके जो हेड है वो जियानी इन्फेंटिनो है. मेंबरशिप 211 इसके मेंबर हैं. अच्छा फीफा वर्ल्ड कप अभी आपने देखा होगा 2018 में हुआ था, इसको रशिया के अंदर किया गया था, और इसको जीता था किसने, इसको जीता था आपके, किसने जीता था फ्रेंड्स बताइए, बता सकता है कोई कमेंट में आप में से, क्रोशिया को हरा करके जीता था फ्रेंड्स फ्रांस ने, ठीक है. अब अगर बात करें 2022 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा, वो होगा आपका कतर के अंदर, और 2000 अगर वही 26 की बात करें तो वो कहां पर होगा फ्रेंड आपका, वो होगा आपका मेक्सिको, USA और कनाडा, ये मेरे को कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स कनाडा भी इंक्लूडेड है या नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये 3 है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसका सर्च भी कीजिएगा. वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वाशिंगटन DC US के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फिर बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और जिम योंग किम इनके प्रेसिडेंट है, कभी कभार CEO भी पूछ लेते हैं इसलिए इसके CEO को हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा आपकी इसकी CEO है, और 189 कंट्री इसमें IBRD में आती है और 173 IDA के अंदर आती है फ्रेंड, ठीक है. यूनिसेफ की अगर हम बात करें, इनकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स आपको आती होंगी जहां तक मैं समझता हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, तो न्यूयॉर्क के अंदर इनका हेडक्वार्टर है USA में, और जो इनके हेड है वो है हेनरिटा H4, ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का. अब 191 मेंबर्स हैं इनके कंट्री मेंबर्स. यूनेस्को की बात करें तो पेरिस फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है, ऑड्रे ओजोले ये आपकी हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. 193 मेंबर स्टेट्स है फ्रेंड, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिडो, यूनिडो का आपकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड बट मैंने लिख दिया है क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभार, एक एग्जाम में तो इनफैक्ट पूछा ही गया है. तो वियना ऑस्ट्रिया, ये ली योंग जो इसके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो ली योंग है, ठीक है. और उसके बाद अगर मेंबरशिप की बात करें तो 168 कंट्रीज इसकी मेंबर है. अगर हम यूनाइटेड नेशंस UN की बात करें तो न्यूयॉर्क USA के अंदर है. देखिए फ्रेंड मैंने ऊपर नीचे जंपलिंग करके यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप इसको अपने आप से, अगर आप इस पे वीडियो देखने के बाद अगर खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, मैं कहता हूँ फ्रेंड्स इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ये ज्यादा समय नहीं लेगा आपका और आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे, इनफैक्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेमोराइज हो जाएगा. मैंने जैसे आपको बताया हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंबरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है.
लेकिन आपको ये दोनों चीजें एटलीस्ट याद हो जाएंगी और आप बड़े अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने अंदर कि हाँ एटलीस्ट मैं ये सब जानता हूँ, और ऑप्शन आएगा तो यस आई कैन डू इट, मैं लगा लूंगा अपने दो नंबर आप या चार नंबर, दो या तीन क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं फ्रेंड। चलिए यूएन के हेड की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस हैं आपके, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशंस सिर्फ यूएन की बात है, वैसे यूएन से काफी एब्रीवेशन स्टार्ट होती हैं और काफी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ यूएन यूनाइटेड नेशंस नेशंस को यूनाइट करता है। तो मतलब आप इसका नाम देखें एंटोनियो गुटेरेस, गुट, अब गुट में कौन होते हैं, गुट में होते हैं जो इकट्ठा रहते हैं झुंड एक तरीके से, तो यूनाइटेड नेशंस नेशंस का यूनाइटेड होना, ठीक है। 193 कंट्रीज है। चलिए फ्रेंड अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अगर हम बात करें WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये कोलोगनी स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्लॉज स्क्वाबा इनके चेयरमैन है। मेंबरशिप की बात करें तो 1000 जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज हैं वो सब मेंबरशिप है इनकी, ठीक है। ये उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। अगर WHO की बात करें फ्रेंड आपके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए डब्ल्यू हेल्थ है, हेल्थ, अब आप समझ रहे हैं हेल्थ हेल्थ की बात हो रही है, तो अब इसके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिए, देखिए फर्स्ट नेम छोड़िए लास्ट नेम देखिए, आधा आधा ADHA, आपने देखा आधा हेल्थ आधी हो गई है। आपने अपने फ्रेंड को बोला यार तेरी तो हेल्थ आधी हो गई है, तू पहले से कमजोर हो गया, तेरी हेल्थ आधी हो गई है, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि अच्छा हेल्थ आधी हो गई है मतलब आधानोम, ADHA NOM। देखिए फ्रेंड आपको अपनी जो नॉलेज है उसको कहीं पे एक्सप्रेस या इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नाम नहीं बताने हैं, आपको बस अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बस आपको वहाँ पे OMR शीट या फिर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे जो आपका आंसर है उस पर क्लिक करना है और आपका मार्क सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें मैंने चार जो जिनेवा के हैं मेन वो सारे इंक्लूड करे हैं, पांच इनफैक्ट, ठीक है, इस स्लाइड के अंदर, जिससे आपको याद रहे WHO, WIPO, WMO, ठीक है। आप इनको देखेंगे तो आपको बहुत एक कॉन्फिडेंट फील होगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ इन चीज़ों को। अगर बात करें नेक्स्ट, हमने देख लिया है इसका टेड्रोस अदानोम इनके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है WHO के। वहीं अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें WIPO, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी हेडक्वार्टर है, और फ्रांसिस गुरी, अब ये इनके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने देखा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के दाम कभी ऊपर जाते कभी गिरते हैं, तो गुरी मतलब गिरा, समझ रहे हैं आप, गिरा, आप ऐसे याद रखिए, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉपर्टी गिरी, तो आपने ध्यान दिया कि फ्रांसिस गुरी ऑप्शन में और आपने क्लिक कर दिया उस पर। मेंबरशिप की बात करें तो 191 इसके मेंबर्स हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसके अगर हेडक्वार्टर हमने देख लिया है, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तो पेट्री तालास, ठीक है। अब देखिए आपका मेट्रोलॉजिकल जो होता है वो मौसम से संबंधित होता है, समझ रहे हैं आप, वो किससे संबंधित होता है, मौसम से। अब देखिए मौसम अगर बारिश नहीं आएगी तो जो इनके हेड है मैंने मेंशन ग्रिम डेविड ग्रिम्स, अब डेविड को छोड़िए अगर ग्रिम्स को देखिए, ग्रिम्स में GRIM आ रहा है, ग्रिम ग्रिम मतलब होता है जहां तक अगर आप समझते हैं तो दुख या किसी चीज के लिए प्रति आपको ना खुशी होना। तो अब अगर किसानों के लिए अगर मौसम नहीं आएगा तो वो दुख होंगे, दुखी होंगे, तो आपने देखा कि अच्छा हाँ हर एक, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे, हर जगह पे, हर वर्ल्ड के हर कोने पे मौसम तो चाहिए ही होता है जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए। तो इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो मौसम से रिलेटेड है, अगर मौसम नहीं आएगा तो दुख होगा, तो उनका जो हेड है वो ग्रिम्स। आई होप कि आपको ये चीजें हेल्प कर रही होंगी फ्रेंड्स। जो भी आपका रिव्यू है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, अगर ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो मैं किसी और तरीके से मॉडिफाई करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको आपके मंजिल की तरफ जरूर ले जाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड, ठीक है, जो कि एक सरकारी नौकरी है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो पेट्री तालास जो इनके सेक्रेटरी जनरल है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनके दोनों ही याद रखने हैं आपको। 185 मेंबर स्टेट्स हैं, 6 मेंबर टेरिटरीज है आपकी, ठीक है फ्रेंड। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और आपका रोबर्टो एजवाडो ये आपके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। 164 मेंबर्स हैं, 24 ऑब्जर्वर्स हैं। वर्ल्ड चेस फेडरेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो एथेंस ग्रीस के अंदर है, और आर्कडी डुवोरकोविच ये आपके प्रेसिडेंट है इसके, और 189 कंट्रीज है। वर्ल्ड चेस से देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वर्ल्ड चेस से रिलेटेड है फिडे, ठीक है, फेडरेशन फॉर इंटरनेशनल आपकी ऐसे करके वो आती है, चेस के लिए आती है, ठीक है। तो उसके जो हेड है आपके, आप कमेंट्स में बताइए, चलिए मैं आपको मैं ही बता देता हूँ, जो फिडे के जो आपके चेयरमैन है वो है आपके
किसान करके हैं, KRISAN, तो आप ध्यान रखिए उसके, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ किसान का लड़का भी चेस खेलता है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। अब देखिए आते हैं अपना वर्ल्ड चेस फेडरेशन की तरफ वापस, तो इसमें मैंने बताया हेडक्वार्टर एथेंस में है, ग्रीस में। अब आपने देखा एथेंस, तो फ्रेंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ ये भी है कि एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक्स हुए थे। कब हुए थे? ये हुए थे आपके 1896 के अंदर। और एथेंस अकेली ऐसी, आप बोल सकते हैं एक ऐसी जगह है जहां पर दो बार ओलंपिक्स होस्ट हुए हैं। फ्रेंड इसको याद करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया एथेंस 1896 के अंदर सबसे पहली बार जो आपके गेम्स हुए थे, ओलंपिक गेम्स, वो वहां पे हुए थे। उसके बाद सेकंड टाइम हुए थे वो 2004 में हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 1900 से 4 माइनस करा तो 1896, आपको ये भी पता लग गया सबसे पहले स्टार्टिंग कब हुई थी और कहां पर हुए थे, ये भी आपको याद हो गया। और दूसरी बार एथेंस के ऊपर ये क्वेश्चन क्योंकि आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी ऐसी अकेली जगह है जहां पर सिटी, जहां पर दो बार आपके ओलंपिक गेम्स हुए हैं आज तक, ठीक है। ये अकेली ऐसी है 2004 के अंदर। अब आपने 2000 में 4 प्लस किया तो आपका तब भी एथेंस ही आया, तो एक ट्रिक बनती है और आपको याद भी हो रहा है और आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है आई गेस, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट की बात करें इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखिए रेड क्रॉस की बात हो रही है, रेड क्रॉस हम जानते हैं एड्स से रिलेटेड होती है। अब इनके हेड की अगर बात करें तो पीटर मोरर, अब देखिए मोरर में आप मर से याद रखिए, देखिए मोरर मतलब मरर, जो मर रहा है मतलब एड्स जो पेशेंट होगा वो मरेगा ही फ्रेंड, आप समझ रहे बात को, क्योंकि उसका कोई अभी तक विकल्प तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। अब आपने देखा इस तरीके से 190 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, आपने लगभग फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि कितने आपने याद करे हैं। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज इनको एक बार अपने पास लिखे, उनको अरेंज करें, अपने डेटा को लिखे हुए को समझें और उसको एक बार आप समझेंगे, सिर्फ हाफ एन आवर आपको इन्वेस्ट करना है अपने कीमती समय में से, मेरी जो मेहनत है वो उस टाइम पे कामयाब होगी फ्रेंड अगर आपको ये सब याद हो जाता है तो। लर्निंग फ्रॉम पीक स्टडी, अगर आपको ये वीडियो और हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो बने रहिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।